बच्चों, आज हम तालिका डेटा टेबल के उपयोग के बारे में जानेंगे। आज बड़बोले चाचा का जन्मदिन है। जन्मदिन की पार्टी में सभी दोस्त आने वाले हैं। चाचा ने पार्टी के लिए ढेर सारे फल खरीदे हैं, सेब, आम, केले, संतरे, अमरूद, चीकू, इतने सारे फल। लेकिन ये क्या, चाचा कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। चंदा चाचा की मदद करने उनके घर आई है। चाचा को परेशान देखकर चंदा ने उनसे पूछा, चाचा आप इतने परेशान क्यों हैं? चाचा ने चंदा से कहा, मुझे मेहमानों के लिए स्वादिष्ट बर्फी बनानी है, लेकिन यहाँ इतने सारे फल हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किस फल की मात्रा सबसे ज्यादा है। चंदा ने चाचा से कहा, मैं आपकी मदद करती हूँ, आप सेब गिनिए और मैं अमरूद गिनती हूँ। चंदा और चाचा मिलकर फल गिनने लगे। चाचा ने सेब गिन लिए। सेब की संख्या है 28 सेब। चंदा ने भी अमरूद गिन लिए। अमरूद की संख्या है 35। अब चंदा ने चाचा को आम गिनने को कहा और वो खुद चीकू गिनने लगी। एक बार फिर दोनों मिलकर फलों की गिनती में लग गए। गिनती पूरी होने पर पता चला कि चाचा के पास 32 आम और चंदा के पास 13 चीकू हैं। अंत में चाचा ने झट से संतरों को भी गिन लिया। चाचा के पास 47 संतरे हैं। सभी फलों की गिनती पूरी होने पर चंदा ने चाचा से पूछा कि उन्होंने सेब की संख्या कितनी बताई थी। चाचा ने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सेब की संख्या याद ही नहीं आ रही है। चाचा उदास हो गए और उन दोनों की मेहनत बिल्कुल बेकार हो गई। चंदा ने चाचा से कहा, आप उदास मत होइए चाचा, मेरे पास इसका एक और हल भी है। चंदा ने झट से एक कागज पर इस तरह से एक तालिका बना ली। चाचा हम इस तालिका का इस्तेमाल करके फलों की संख्या को लिख सकते हैं, ताकि हम इन्हें गिनती होने पर ना भूलें। यहाँ मैंने सभी फलों के नाम लिखे हैं। जैसे जैसे हम फलों को गिन लेंगे, वैसे वैसे हम इस तालिका में उस फल के नाम के सामने उसकी संख्या को लिख लेंगे। इस तरह जब हम सारे फलों को गिन लेंगे, तब हमारे पास उन सभी फलों की संख्याएं भी दर्ज हो जाएंगी और हम बिल्कुल आसानी से सबसे ज्यादा संख्या किस फल की है उसका पता लगा पाएंगे। चाचा क्या आपको संतरों की संख्या याद है? चंदा ने चाचा से पूछा। चाचा ने तुरंत कहा, 47। चंदा ने तालिका में इस तरह संतरे के सामने उसकी संख्या लिख ली। चाचा और चंदा ने एक बार फिर सभी फलों को गिनकर उनकी संख्याएं तालिका में लिख ली। आखिर तालिका पूरी हो गई। बच्चों, क्या आपने इस तरह की तालिका डेटा टेबल देखा है? चाचा की तरह अगर हमें कई वस्तुओं की संख्याओं का पता लगाना हो और उससे किसी तरह का निष्कर्ष ढूंढना हो, तो हम तालिका डेटा टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। चंदा ने चाचा से कहा, क्या आप अब बता सकते हैं कि कौन से फल की संख्या सबसे ज्यादा है? बच्चों, क्या आप इस तालिका को देखकर बता सकते हैं कि कौन से फल की संख्या सबसे ज्यादा है?
शाबाश बच्चों, आपका उत्तर बिल्कुल सही है। संतरों की संख्या 47 सबसे ज्यादा है। अब क्या आप बता सकते हैं कि कौन से फल की संख्या सबसे कम है? जी हाँ, चीकू की संख्या 13 सबसे कम है। बच्चों, इस तरह से आप तालिका डेटा टेबल का इस्तेमाल करके कई तरह की जानकारी हासिल कर सकते हैं। चाचा ने भी चंदा के द्वारा बनाई तालिका टेबल का उपयोग करके पता लगा लिया कि संतरों की संख्या सबसे ज्यादा है। चंदा और चाचा मिलकर संतरे की बर्फी बनाने की तैयारी में जुट गए। बच्चों, इस पाठ में हमने तालिका डेटा टेबल के उपयोग के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा इसके बारे में और सीखेंगे।